हेलो गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हो जीबी तीर्थन का, इस वीडियो में बने रहो एंड तक, बिकॉज यू आर एट द राइट स्पॉट, राइट वीडियो। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि कैसे आप जाओ वहां पे, क्या ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली, चंडीगढ़ या साउथ साइड से भी कवर कर रहे हो, तो आपको एंड टू एंड हर चीज़ ए टू जेड प्रॉमिस है इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। प्लस बेस्ट टाइम जो होगा कि कौन से मंथ में आपका ये वाला जो ट्रैवल प्लान है ये आपका बेस्ट रहेगा, तो वो आपको पूरी एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन देंगे। वे टूरिस्ट प्लेसेस, ट्री हाउस, कौन सा होम स्टे बेस्ट है, तीर्थन वैली, जीबी में कितना डिफरेंस है, यू नो कौन सी जगह अच्छी है या क्या है, वो आप पूरा प्लान कर सकोगे खुद से। तो मैं पूरा ये 3 नाइट 4 डेज का आइटनरी आपको बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करो और वहाँ जाओ आराम से। आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं, कोई टूर प्लानर की ज़रूरत नहीं। तो गाइस बस शुरू करते हैं और मैं आपको फर्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन, आप वहाँ पे कैसे पहुँचोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दो रूट्स हैं हमारे पास, एक है मंडी से औध, औध से जीबी, जो कि मोस्ट पॉपुलर रूट है जीबी जाने के लिए। सेकेंड है आपका जो आपको शिमला से जलोरी पास के टूवर्ड्स से जाता है, बट वो मतलब यू नो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप खुद की व्हीकल से आ रहे हो तो आप शिमला वाला रूट भी कवर कर सकते हो। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप प्राइवेट कार से आ रहे हो, प्राइवेट कार आप मंडी से औध होते हुए औध से जीबी पहुंचोगे, आप 10-11 घंटे लगेंगे आपको अभी के जो रूट के अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी फ्लड हुआ था, थोड़ा सा रोड डैमेज भी है। देन आपका जो सेकेंड ऑप्शन रहता है वो है वॉल्वो का, जो वॉल्वो की बुकिंग है हमेशा मैं रेड बस से करता हूँ, तो आपको भी वही प्रेफर करूँगा। और वहाँ पे जिंग बस मेरा फेवरेट यू नो बस प्रोवाइडर रहता है, तो उसको ही मैं हमेशा बुक करता हूँ, क्योंकि और रेटिंग्स देख के ही हमेशा करना चाहिए। इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी ये अप्रॉक्सीमेटली रहेगी 800 to 1200 डिपेंडिंग ऑन द सीट कि आपने कौन सी सीट चूज़ करी है एंड ऑफकोर्स द मंथ एंड द सीज़न। तो आप भुंतर का बुक कराओ, भुंतर में आप उधर के वहाँ से आप स्कूटी इजीली आप रेंट पे ले सकते हो, जो कि आपको 600 rupees पर डे का कॉस्ट करेगी। और अगर आप रॉयल इनफील्ड के लेना चाहते हो तो उसका जो प्राइस है वो 1000 to 1200 rupees रहेगा। आप वॉल्वो से उतर के वहाँ से कैब भी कर सकते हो और टनल से, और टनल से आपको कैब जीबी या तीर्थन के लिए अराउंड 1500 rupees का मिल जाएगा। तो भुंतर से हम तीर्थन वैली पहुँचेंगे 2 घंटे में, तो ये आपका रह गया पूरा जो वॉप अगर आप वॉल्वो से आ रहे हो। अगर आप आ रहे हो ट्रेन से तो ट्रेन आपका मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज वो चंडीगढ़ तक ही आपका बेस्ट है, और चंडीगढ़ से आपको आगे कैब करनी पड़ेगी या फिर खुद का प्राइवेट व्हीकल या फिर आप जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करते हो। आपका जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फ्लाइट का। फ्लाइट जो है वो भुंतर एयरपोर्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्लाइट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत रेयर यू नो प्लेन्स हैं जो कि वो वहाँ पे लैंड करते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा वो मोड। अगर आपको वो भी ऑप्शन चूज़ करना है तो आप वो कर सकते हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका बेस्ट टाइम टू विजिट देयर। सो जो मेरा फेवरेट टाइम है वो होता है मार्च स्टार्टिंग से लेके जून एंड तक, एंड देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मिड ऑफ दिसंबर तक, बिकॉज मिड ऑफ दिसंबर से लेके जो आपका एंड ऑफ फेब तक है वहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल का देख सकते हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है रोड पे ट्रैवल करने के लिए। प्लस जो आपका जुलाई, अगस्त एंड मिड सितंबर तक का मंथ है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ यू नो लैंडस्लाइड, मॉनसून सीजन, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अभी भी देखा हमने रिसेंटली जो आपको फ्लड हुआ, तो मेरा जो फेवरेट मंथ्स है मैंने मेंशन कर दिए, और यही मंथ्स में आप भी ट्रैवल करो। सो गाइस लेट्स अज्यूम कि आप वहाँ पहुँच चुके हो और आपका डे वन शुरू हो चुका है। तो आप सुबह जैसे ही पहुँचे हो तीर्थन वैली, आपको डायरेक्ट जाना है वहाँ पे। तीर्थन वैली में जो आपको स्टे ऑप्शन है वहाँ पे, मैं बताया था मैं मोस्टली वहाँ रहता हूँ, ट्रैवल नेस्ट करके एक होम स्टे है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ है और बहुत अच्छे रीजनेबल रेट्स में है। अराउंड आपको 1500 rupees का एक रूम मिल जाएगा जिसमें आप 2 लोग रुक सकते हो इजीली। एंड उसी के साथ वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल्स हैं, तो आप इजीली वहाँ पहुँचो, अपना रेस्ट करो। रेस्ट करने के साथ आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 3 बजे तक अराउंड उठ के यू नो फ्रेशन अप होके बिल्कुल रेडी हो चुके हो। तो रेडी होते ही अगर आप ट्रैवल नेस्ट में ही स्टे कर रहे हो तो ट्रैवल नेस्ट के बिल्कुल पास में ही आप वॉक करोगे 10 मिनट, तो वहाँ से चोई वाटरफॉल कैफ़े है जहाँ से चोई वाटरफॉल ट्रैक का शुरुआत होती है। तो वो जो ट्रैक है आप समझ लो, अगर हम 3 बजे निकल रहे हैं तो आपको 1.5-2 घंटे लगेगा मैक्सिमम, 1.5 to 2 hours आपको मैक्सिमम ऊपर तक पहुँचने में लगेंगे।
आप 5 बजे के अराउंड ऊपर पहुंचोगे और वहां देखोगे इतना ब्यूटीफुल यू नो वाटरफॉल है आपको, तो बस कुछ मजे करना और कॉफी चाय पी के अपना एंजॉय करते हुए अपना नीचे ट्रैक डाउन करना, और ट्रैक डाउन समझ लो आप, समझ लो मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगेंगे नीचे तक पहुँचने में। नीचे पहुंचोगे आप, वापसी आराम से जाओगे तो वहाँ पे देखोगे ग्राउंड में कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं बिल्कुल उसी के पास में ही जहाँ पे चोई वाटरफॉल कैफे है, उनके साथ आप इंजॉय कर सकते हो। और हिमाचली लोग वैसे ही इतने अच्छे होते हैं तो आपको कभी मना नहीं करेंगे। एंड आराम से आप आओ, थोड़ा होम स्टे में रिलैक्स करोगे कि आप ट्रैक करके आए हो। ट्रैक करने के बाद फिर आपको ऑब्वियसली भूख भी लगेगी, तो एक मेजल टोफ करके एक कैफ़े है वहाँ पे, हॉस्टल भी है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल यू नो 5 मिनट्स वॉक भी नहीं है हमारे होम स्टे से, और वहाँ से आप जाओगे ईजिली, आप वहाँ बैठो ऊपर, इतना ब्यूटीफुल कैफ़े है वहाँ पे, इतना अच्छा खाना है सब कुछ, और BYOB टाइप है, तो आप अपना ईजिली आप बूज लेके जा सकते हो, और यू नो यू कैन हैव योर ड्रिंक्स देयर, सो वहाँ पे वो चीज़ भी मना नहीं करते, और आराम से आप इंजॉय करो वो नाइट, रेस्ट करो बिकॉज आप सुबह पहुँचे हो और नींद आपकी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 9, 9:30, 10 बजे तक आप सो गए हो। तो गाइस बस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, Day 2 शुरू हो चुका है हमारा, तो बस आलस ना दिखा के बिल्कुल उठते हैं और रेडी होते हैं, रेडी होके 10 बजे तक हम चेकआउट करते हैं। तो आज का हमारा प्लान रहेगा जीबी जाने का। जीबी के रास्ता आप समझ लो तीर्थन वाली से 1 घंटे का है सिर्फ, उसके ही बीच में आपको 2 और स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए और देखना चाहिए। आप जैसे ही तीर्थन वैली वाले रोड पे होगे आपको राइट साइड पे कैफ़े HP 49 मिलेगा। मेरी ऊपर मैंने आई बटन में डाला है वो वीडियो में, मैंने पूरा कवर करा हुआ है चोई वाटर HP 49 कैफ़े, दोनों चीज़ें उसमें कवर्ड हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा कैफ़े है, बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड है, वहीं पे हमने ब्रंच करा था। और उसके बाद आप यहाँ से आप जा सकते हो चेनी कोटी करके एक जगह है, वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो इजीली, तो वो भी एक लोकल जगह है और जीबी के रास्ते में ही पड़ता है, तो वो ऑप्शनल है, आप जाना है जा सकते हो अगर आप ट्रैक करने के यू नो टूवर्ड्स हो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है ट्रैक करना। उसके बाद अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जीबी पहुँच चुके हो, जीबी डायरेक्टली पहुँचते ही आप मॉल रोड उसका जो मार्केट एरिया है वो देखोगे सबसे पहले। सबसे पहले वो देखने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ से बालो टेम्पल की तरफ जाओ। बालो टेम्पल जो है मेरा पूरा एक वीडियो है, सेपरेट वीडियो अगर आपको डिटेल में देखना है, बट मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देता हूँ कि जो आपका बालो टेम्पल रहेगा वो 30 मिनट्स की ड्राइव रहेगी जीबी से, और उसके बाद एक बालो लेक आएगा, वहाँ पे आपको अपनी कार पार्क करनी है। कार पार्क करने के बाद आपका एक वॉकिंग रहेगा, 30 मिनट्स का मैक्सिमम वॉक है, सिंपल वॉक है, बिल्कुल फॉरेस्ट हाइक टाइप है। वहाँ आप पहुँचोगे बालो टेम्पल और देखोगे इतनी सुंदर जगह है वो, आराम से आप रिलैक्स करो वहाँ पे, सिडू ट्राई करो, खाओ पियो आराम से, और फिर आप वापस आओ। जैसे ही आप आओगे वापस और बालो टेम्पल से जीबी की तरफ आओगे तो वहाँ पे एक बीच में तांदी विलेज पड़ता है जहाँ पे मैक्सिमम ट्री हाउस हैं, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्री हाउस है वो है जॉनी ट्री हाउस। इसकी मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो डाली हुई ऑलरेडी, मैं अभी आई बटन में आपको एक वीडियो लिंक डाल रहा हूँ, आप वो देख सकते हो ट्री हाउस वाला। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो ये जो ट्री हाउस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जॉनी का है। ये जॉनी भाई जो है, मैं आपको नंबर डाल रहा हूँ इसी वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो। इनका जो प्राइस रहता है वो 4,000 to 6,000 रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, डिपेंडिंग ऑन द पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर, एंड ब्रेकफास्ट है या विदाउट ब्रेकफास्ट है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली Airbnb और उनसे आपको डायरेक्ट में चीपर रेट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ बस यहाँ पे आप इंजॉय करो अपना पूरी नाइट, यू नो डांस करो उनके साथ, लोकल लोग हैं क्योंकि वहाँ पे हिमाचली तांदी विलेज है, वहाँ पे आप इंजॉय करो उनके साथ। देन आपको मैं बताता हूँ इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है उनकी, नीचे ही किचन है, वहाँ पे आप आराम से उनके साथ बैठ सकते हो, कुकिंग कर सकते हो खुद ही, और मतलब यू नो एक बहुत अच्छी वाइब आती है कि खुद ही फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल सजेस्टेबल है कि यहाँ पर आप आओ और रहो। एंड देन Day 3 की शुरुआत करते हैं, और Day 3 की शुरुआत आप उठोगे और आपके ऐसे क्लाउड्स होंगे आपके बिल्कुल ही ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है वहाँ से। तो इस मॉर्निंग हमें जल्दी उठना पड़ेगा, पूरे सुबह 6-7 बजे उठ के, क्योंकि हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक, और वहाँ से डायरेक्ट हम निकलेंगे जलोरी पास के लिए। जलोरी पास जो है आपका 1 घंटे का पूरा रोड रहता है, रास्ता है
जीबी से जहाँ पे आप स्टे करोगे वहाँ से जलोरी पास का रास्ता पूरा 1 घंटा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रोड है। आप समझ लो आप 45 मिनट्स में आप डबल उस पे जा रहे हो एलिवेशन पे, फ्रॉम 6,000 to 12,000। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो प्लीज़ गाइज आप अवॉइड करो वो रोड और डायरेक्टली कैब बुक करना। कैब आपको लेके जाएगी, आपका कैब का जो फेयर रहेगा अप एंड डाउन का सेम डे का वो 2,000 to 2,500 rupees रहेगा। यहाँ से आप वहाँ पहुँच के जलोरी पास में आप देखोगे वहाँ पे दो ट्रैक के ऑप्शन है। तो फर्स्ट वन इज सेलोसर लेक, तो यहाँ पे आपका जो है ये ट्रैक वो अराउंड 5 kilometers का है, 2.5 to 3 hours आपको लगते हैं एक साइड पहुँचने में, और ऊपर जाके कैंपिंग ऑप्शंस भी हैं जो कि 1,500 rupees से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरा जो आपका ये वाला ट्रैक रहेगा सेलोसर लेक का वो रहेगा 5 hours का मैक्सिमम, और उसी के साथ ही उसी के सामने ही बिल्कुल रघुपुर फोर्ट का है। तो जलोरी पास से आपके दो ट्रैक्स होते हैं, सेकेंड वन इज़ रघुपुर फोर्ट। रघुपुर फोर्ट जो है आपका वो 4 kilometers का ट्रैक रहेगा, वो थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सेलोसर लेक, मतलब दोनों थोड़ा सा लेवल बराबर ही है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी ट्रैक का। तो वो भी आपका अराउंड 1.5 to 2 hours का ट्रैक रहेगा, वहाँ पे भी कैंपिंग ऑप्शंस हैं। तो वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारा ट्रैक कर चुके हो यहाँ का और आप वापसी जीबी आ चुके हो 3 बजे तक। 3 बजे का आते ही आप लंच करो कैफ़ेज़ में जो मार्केट है लोकल जीबी की, और वहाँ पे एक ही वाइन एंड बियर शॉप है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना अगर आपको कुछ कैरी करना है वहाँ से। आप लंच करके आप जीबी वाटरफॉल कवर कर सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल रहती है और ईजी 2-3 minutes का वॉक रहता है, पूरा पाथ बना हुआ है और एक सिंपल बहुत अच्छा वाटरफॉल लगेगा आपको बहुत है, तो ज़रूर कवर करो। उसी के जस्ट बाद आप मिनी थाईलैंड कवर कर सकते हो, बहुत इजी 15 मिनट्स का इजी ट्रैक है, और आप वहाँ जाओगे आप देखोगे कि दो पत्थर जो हैं वो कोलाइड करें और कोलाइड के नीचे बहुत ज़्यादा क्लियर वाटर है। हमारे टाइम पे क्लियर नहीं था बिकॉज ऑफ मानसून सीज़न और रेन था वहाँ पे उस टाइम पे, बट आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं और मिनी थाईलैंड करके एक फेमस जगह है जो कि आई थिंक ओवर हाइप्ड है, बट आप कवर कर सकते हो। आप वापस आओ और चेक इन करो न्यू होम स्टे में या फिर कोई होटल में या फिर वही ट्री हाउस में आप फिर से स्टे ले सकते हो, और आप आराम से इंजॉय करो लास्ट अपनी नाइट जीबी में। उसके बाद शुरू करते हैं day 4 से। day 4 आप आराम से उठो इंजॉय करो थोड़ा सा सीनिक व्यू, क्योंकि आपका लास्ट रहने वाला ये डे, और बस इसी के साथ हम चेकआउट करेंगे 10 AM तक और दिल्ली के लिए हम निकल जाएंगे। तो अगर आप वापसी के लिए भी अगर आप वॉल्वो कर रहे हो तो वॉल्वो आपका 5 or 6 hours के अराउंड आपको और टनल से या फिर भुंतर से मिल जाएगी। आप स्कूटी भी रिटर्न कर सकते हो जो आपने रेंट आउट करी हो, या फिर आप कैब लेके और टनल तक जा सकते हो। और आप अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से आए हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको बहुत एंथुसियास्टिक हो ड्राइविंग में तो आप जलोरी पास का रूट पकड़ के वहाँ से आप शिमला का रूट पकड़ सकते हो जो कि नारकंडा देन शिमला देन सोलन आते हुए आपको दिल्ली या फिर चंडीगढ़ पहुँचाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो इसमें, अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो मैंने पूरा सीरीज़ ऑलरेडी जीबी तीर्थन वैली का डाला हुआ है जो कि आप कवर कर सकते हो ईजिली आप देख के, तो आपको कोई और टूर प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नथिंग एट ऑल। एंड देन बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो अपना, और इसी के साथ हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखाएंगे डालेंगे और आपका पूरा प्लान में हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो गाइज थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन अगेन, सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।